हे गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल एडिली मिनी साइंस पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पॉली न्यूक्लियर कंपाउंड्स के बारे में, या कह लीजिए पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। ये जो टॉपिक मैंने उठाया है, ये उठाया है थर्ड सेम की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये है फोर्थ यूनिट। ठीक है, मैं सोच रही हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूँ। ये वीडियो लंबी होने वाली है, इसलिए मैं इधर उधर की बातें नहीं करूँगी। सबसे पहले आपको बता देती हूँ यहाँ पर टॉपिक क्या क्या है। आपको टॉपिक में पढ़ना है सिंथेसिस रिएक्शन स्ट्रक्चर एंड मेडिकल यूजेज ऑफ नेफ्थलीन, फिनैंथरीन, एंथ्रासीन, डायफेनाइल अमाइन एंड ट्राइफेनाइल मीथेन। इतने कुछ कंपाउंड्स हमको दे रखे हैं, इनके हमको सिंथेसिस पढ़नी है, रिएक्शन पढ़नी है, स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं और मेडिसिनल यूजेस पढ़ने हैं, और कुछ इनके डेरिवेटिव्स के भी। ठीक है, तो सबसे पहले इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे नेफ्थलीन के बारे में। नेफ्थलीन, नेफ्थलीन क्या होता है? सिंपली नेफ्थलीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C10H8। इसके अंदर 8 कार्बन होते हैं और 10 कार्बन होते हैं और 8 हाइड्रोजन होते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का होता है। बेंजीन 6 कार्बन वाली रिंग के साथ में, 4 एडिशनल कार्बन के साथ में दो रिंग्स फॉर्म हो जाती है, दो फ्यूज रिंग्स फॉर्म हो जाती है, या दो फ्यूज बेंजीन्स को हम कहते हैं नेफ्थलीन। और अगली चीज़ क्या आती है? अगली चीज़ है इसका IUPAC नेम। इसका IUPAC नेम क्या बनता है? इसका IUPAC नेम बनता है बाई साइक्लो, यानी कि दो साइकिल्स हैं, है ना। यहाँ पर 1, 2 दो रिंग्स दिख रही, इसलिए बाई साइक्लो। अब क्योंकि यहाँ पर कितने कार्बन हैं? 10, इसलिए डेका। और अगर मैं इस पर काउंट करूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना, तो आपको 1, फिर उसके बाद 3, फिर 5, फिर उसके बाद 7 और फिर उसके बाद 9। मतलब सभी पर क्या दिख रहा है आपको? डबल बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। अब क्योंकि यहाँ पे ना मैंने किस तरीके से डबल बॉन्ड फॉर्म किया है, इधर अगर मैं यहाँ यहाँ और यहाँ करती तो वो 5, 7, 9 पे आता, तो क्या हो जाता? डेका, यानी 10, डेकेन वाला 10। ये इतने इतने नंबर्स पे क्या है? 5 डबल बॉन्ड्स होते, इसलिए पेंटाइन। अब ये ब्रैकेट मैंने क्यों छोड़ा है? यहाँ पर फ्यूजन हमको शो करना होता है कि 1, 2, 3, 4 फोर से लग के ये जो है रिंग एक दूसरे में फ्यूज़ हो रही है। तो हमको इस तरीके से यहाँ पर फ्यूजन को मेंशन करना होता है कि दोनों बाई साइकिल, यानी दोनों साइकिल्स का फ्यूजन कहाँ पे हो रहा है। सिंपल, बस इतना ही हमको यहाँ पे बताना होता है। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो कैसा होता है? वाइट कलर का होता है, ये वोलेटाइल सॉलिड है, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑडर होता है, और ये वाटर से डेंस होता है। इसके अलावा ये इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। ठीक है, ये तो क्योंकि कुछ बेसिक नॉलेज नेफ्थलीन के बारे में। अब देखो, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा नेफ्थलीन का एलेबरेटेड स्ट्रक्चर बनाने की मैंने कोशिश की है, जो सच में इतना बड़ा बन गया कि मेरे फ़ोन में भी ठीक से नहीं आ रहा है, मतलब मेरे कैमरा के कवरेज से बाहर हो रहा है। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा सी, ये जितने हैं कार्बनज हैं आपके, 6 कार्बन ये रहे, 4 कार्बन ये रहे, उनके साथ में हाइड्रोजन है। हमको शो करना होता है कि इनके बीच में किस तरीके की बॉन्डिंग हो रही है। सबसे पहले बॉन्ड एंगल की बात कर ले, तो सभी तरफ से आपका बॉन्ड एंगल कितना रहेगा? 120 डिग्री का ही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की, तो यहाँ पे 10 कार्बन आपको दिखाई दे, तो 10 के 10 कार्बन जो होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। क्यों होते हैं भैया? क्योंकि जैसे ही आपका एल्कीन्स होते हैं ना, एल्कीन्स जैसी ही बॉन्डिंग यहाँ पे हो रही है, वहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और जो सी और एच बॉन्ड के बीच में हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है वो कौन सा है? SSP2 हाइब्रिडाइजेशन। ये SP2 हाइब्रिडाइज, ये S, ठीक। और अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात करूं तो वो क्या है? SP2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब यहाँ पे हमने क्या डिनोट किया इस वाले स्ट्रक्चर में? हमने बताया है कि सारे सिग्मा बॉन्ड्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं। अगर गौर से आप देखेंगे तो इस सी से इस सी के बीच और इस सी से एच के बीच में किस तरीके से सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं इस वाले डायग्राम में। तो अभी हमने नहीं बताया कि यहाँ पे पाई बॉन्ड्स है या नहीं, है ना, हमने सिर्फ कितना बताया कि सिग्मा बॉन्ड्स है यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं पाई बॉन्ड्स की, और साथ ही साथ एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि ये जो होते हैं ना, जितने भी आपको कार्बन हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं नेफ्थलीन के, ये हमेशा इन प्लेन होते हैं। इन प्लेन मतलब क्या? एक ही प्लेन के अंदर रहते हैं, ये ऐसा नहीं कि प्लेन के बाहर निकले। अगर ऐसा फ्लैट है तो फ्लैट स्ट्रक्चर रहेगा। अगली बात कर रहे हैं इसके पाई बॉन्ड्स की, तो जो पाई बॉन्ड्स है, पाई बॉन्ड्स कह लीजिए कि किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं, वो पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। पी ऑर्बिटल्स की मैं बात करूँ, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, पी ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ पे क्या है
कि वैसे सी और एच तो आपके सारे इन प्लेन थे, एक ही प्लेन के अंदर थे, लेकिन जो पी ऑर्बिटल्स है ना, दे आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, है ना, जो आपका प्लेन है उससे परपेंडिकुलरली लाए करते हैं पी ऑर्बिटल्स, और उनके बीच में ना एक ओवरलैपिंग होती है. तो ये जो ओवरलैपिंग होती है ये प्रोड्यूस करती है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो पाई बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं. अब कैसे देखते हैं, इस तरीके से जो आपको डंबल शेप दिखाई दे रहे हैं ये मैंने पी ऑर्बिटल्स बनाने की कोशिश की. अब आप देख सकते हैं प्लेन ये रहा लेकिन ये इसके परपेंडिकुलर है, और इस वजह से ऊपर नीचे से इनकी एक ओवरलैप स्टार्ट हो रहा है. इस ओवरलैप की वजह से आपके क्या बनते हैं, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अब यहाँ पे पाई बॉन्ड्स बन गए, तो इस तरीके से हमने क्या बताया आपको, इससे पहले वाले केस में बताया मैंने कि सिग्मा बॉन्ड्स कैसे फॉर्म हो रहे थे और यहाँ पर पाई बॉन्ड्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं. ठीक है, और डिटेल स्ट्रक्चर नहीं बता रही हूँ, सिंपल ऊपर ऊपर का बता रही हूँ मैं आपको. फिर नेक्स्ट, अगर आप और लिखना चाहें तो नेफ्थलीन कैसे नेचर का होता है, एरोमेटिक नेचर का होता है, क्यों होता है, क्योंकि वो हकल्स रूल को फॉलो करता है. साइक्लिक है, प्लैनर है, कंजुगेटेड ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स है इसके अंदर. 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना. तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 हैं. इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या वैल्यू आएगी एन की, 2 2 आएगी. इसका मतलब क्या हुआ, ये फुल इंटीजर है. इसका मतलब ये हुआ कि ये एरोमेटिक नेचर का है, अकल रूल को फॉलो करता है. फिर अगली बात आती है, हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके नॉमनक्लेचर और उसके डेरिवेटिव्स की. तो हम नाम कैसे रखते हैं, हम नंबरिंग कैसे करते हैं, यहाँ से हम 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, इस तरीके से हम नंबरिंग करते हैं. अब नंबरिंग करते हैं तो इस हिसाब से अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ेगा तो इस हिसाब से उसको रिस्पेक्टिव पोजिशन दे दी जाएगी. जैसे यहाँ पर जुड़ा तो 3-ब्रोमो-नेफ्थलीन. ठीक, अगर एक और ऑल्टरनेटिव तरीका है कि आप इसको 1 2 3 नाम ना दे के अल्फा बीटा नाम दे दीजिए. तो अल्फा बीटा नाम देने में क्या होता है, जो ये पोजिशन है इनको अल्फा नाम दिया जाता है, बाकी इन दो को बीटा. जैसे कि ये है बीटा नेफ्थॉन, अगर यहाँ होता तो होता अल्फा नेफ्थॉन, है ना. ये हो गए आपके डेरिवेटिव और उनका नॉमनक्लेचर का तरीका. नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम रेजोनेंस की. किसके रेजोनेंस की, नेफ्थलीन. नेफ्थलीन में दो रिंग्स हैं, है ना, वो किस तरीके से रेजोनेंस शो कर रही है उसकी हम बात कर लेते हैं. पहला वाला केस है ना, ये आपने देखा. फिर दूसरा वाला केस है ये, तीसरा वाला केस है ये. तो जो आपका पहला वाला केस है उसमें क्या हो रहा है, इस तरीके से बॉन्ड्स अरेंज है. उसका जस्ट जो दूसरा वाला केस है, ये वाले बॉन्ड तो अपनी जगह पर है बट पहली वाली जो बेंजीन रिंग है उसने अपने बॉन्ड्स को क्या करवा दिया है, मूव करवा दिया है कुछ इस तरीके से. ठीक, फिर अगले में हम जाते हैं तो ये पूरा फेर बदल हो जाएगा. तो ये वाले जो बॉन्ड्स है ना वो अगली इसमें पहुंच गए और ये वाले बॉन्ड दूसरी में आ गए. तो इस तरीके से रेजोनेंस की तीन फॉर्म शो करता है नेफ्थेलीन. इसमें ना एक चीज़ बड़ी देखने लायक होती है, वो ये कि बेंजीन में क्या होता है कि आपके पूरे 6 के 6 बॉन्ड्स, सी सी बॉन्ड्स जो होते हैं वो सेम बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ के होते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होता. यहाँ पे क्या होता है, ये 1 2 3 4, ये जो 1 2 के बीच की दूरी है ना कम होती है, जबकि 2 और 3 के बीच की दूरी ज़्यादा होती है. और जबकि बेंजीन में क्या होता है, सब बराबर होते हैं. ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो 1 2 यहाँ पर, 1 2 यहाँ पर, 1 2 यहाँ पर. आप गौर से देखोगे यहाँ 1 2 डबल बॉन्ड में, यहाँ पे 1 2 डबल बॉन्ड में, पर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में. इसी तरह 2 3, 2 3 यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, पर यहाँ पर डबल बॉन्ड. यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में क्या होता है कि C1 और C2 के बीच डबल बॉन्ड ही होता है, तो इसलिए उनकी दूरी जो है वो थोड़ी कम होती है, और C2 और C3 की दूरी ज़्यादा होती है, इसलिए उनका बॉन्डिंग बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा ज्यादा होता है. ठीक है, अब हम अगली बात कर लेते हैं सिंथेसिस ऑफ नेफ्थलीन की. तो नेफ्थलीन सिंथेसिस जो है, हम उसकी जो मेन सिंथेसिस होती है वो पढ़ रहे हैं, हॉवर्ट सिंथेसिस. हॉवर्ट सिंथेसिस के अंदर क्या है, कुछ स्टेप्स होती हैं, हम सभी स्टेप्स को डीपली स्टडी कर लेते हैं. नंबर 1, बेंजीन से शुरुआत होगी. तो यहाँ पर क्या किया जाता है, बेंजीन को सक्सीनिक एनहाइड्राइड के साथ में हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3. तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो होता है 3-बेंजोइल प्रोपेनोइक एसिड. और ये जो पूरी रिएक्शन है ये हो रही है एक्चुअली आपका फिडलक्राफ्ट असाइलेशन. ठीक है,
ये है आपका पूरा फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, बेंजीन है, सक्सीन एक एनहाइड्राइड है। अगर सोचिए मैं इसको ना ऐसा घुमा के लिख देती, तो यहाँ से ये ब्रेक हुआ ये ओ, तो यहाँ से आपका एक बॉन्ड टूटा। इधर से शुरू करते हैं, एक सी ओ सी एच टू सी एच टू, ये सी ओ, और ये जो ओ बच गया था ना यहाँ पे उसको बैलेंस किया एच ने, तो ये क्या बन गया आपका, ये बना थ्री बेंजोइल, वन टू थ्री, थ्री पे बेंजोइल प्रोपेनोइक एसिड। ठीक, स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू में क्या होगा, जो थ्री बेंजोइन प्रोपेनोइक एसिड बना है उसको ट्रीट करवाया जाएगा जिंक अमलगम के साथ में। ठीक है, जिंक अमलगम के साथ में ट्रीट करेंगे, किसके प्रेजेंस में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में, जिससे क्या होगा यहाँ पर बनेगा फोर फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड। और ये जो रिएक्शन हो रही है, ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन है आपकी क्लेमेंसन रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये जो आपका ऑक्सीजन स्पेशीज थी वो यहाँ से बाहर निकली और यहाँ पे ऐड कौन हुआ, हाइड्रोजन ऐड हुआ, तो बनने वाला स्ट्रक्चर क्या हुआ, वन टू थ्री फोर, फोर फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक, अब हम बात करते हैं स्टेप थ्री की, दो स्टेप तो हो गई, तीसरी स्टेप की बात करते हैं। तीसरी स्टेप में क्या हो रहा है, ये जो आपका प्रोडक्ट बना था ना, कौन सा, फोर फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक है ये, ब्यूटेन ये लिखा मैंने यहाँ पे, ब्यूटेनोइक एसिड, इसको हीट करवाया जाएगा किसके साथ में, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा अल्फा टेट्रालोन फॉर्म करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिंग क्लोज हो रही है, जैसे ये ओपन था ना यहाँ पे, ये रिंग क्लोज हो रही है, कैसे क्लोज होगी, ये बेंजीन अपनी जगह पे रहेगा, ये सी एच अपनी सी एच टू अपनी जगह पे, सी एच टू अपनी जगह पे, सी एच टू अपनी जगह पे, और यहाँ पर सी अपनी जगह पे, ओ अपनी जगह पे, पर ये जो ओ एच है ये यहाँ से रिमूव हुआ और ये वाला जो हिस्सा है ये इसमें ऐड हो गया, ये ओ हटा और ये सी डायरेक्टली इससे जुड़ गया। ठीक, तो ये क्या बना, अल्फा टेट्रालोन। ठीक, टेट्रालीन होता है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम टेट्रालीन कहते हैं, इसमें अल्फा पोजिशन पे डबल बॉन्ड ओ लगा है, इसलिए अल्फा टेट्रालोन प्लस एच टू ओ। ठीक है, ये इस तरीके की रिएक्शन हुई। स्टेप नंबर फोर में क्या होता है, स्टेप नंबर फोर में ये जो अल्फा टेट्रालोन है इसका फर्दर क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है जिंक एमलगम के साथ में। हम क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट देते हैं, और यहाँ पर भी हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस्तेमाल करते हैं, मतलब सेम क्या कंडीशन हो गई, वो जो थोड़ी देर पहले थी क्लेमेंसन रिडक्शन वाली, यहाँ पर भी क्लेमेंसन रिडक्शन हुआ, तो क्या होगा, रिडक्शन में सिंपली ये ऑक्सीजन स्पीशीज दिख रही है आपको, ये गायब हो जाएगी, तो क्या बनेगा, टेट्रालीन बनेगा, है ना। अब रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन ही तो रिमूव होता है या फिर हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन दिख रहा है, रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट होता है आपका स्टेप नंबर फाइव, लास्ट स्टेप, इस केस में क्या हुआ, जो टेट्रालीन है ना, टेट्रालीन का पैलेडियम के साथ में क्या करवाया जाएगा, ट्रीटमेंट करवाया जाएगा हीट के साथ, इसको हीट करेंगे पैलेडियम के साथ, तो टेट्रालीन बना लेगा नेफ्थलीन, और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन थे वो अलग हाइड्रोजन के अवशेषों में निकल जाएंगे, तो इस तरीके से आपकी नेफ्थलीन बन के हो जाएगी रेडी। ठीक है, अब इसके अलावा क्या हो सकता है इस वाले सिंथेसिस में, ज़रूरी नहीं कि ये रिएक्शन हम बेंजीन के साथ में करें, हम टोलुइन के साथ कर सकते हैं, ब्रोमो बेंजीन के साथ में कर सकते हैं, आपको फाइनल प्रोडक्ट नेफ्थलीन ही मिलेगा। अगला है केमिकल रिएक्शंस ऑफ नेफ्थलीन। नेफ्थलीन में कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, देखिए जब भी केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के केस में, तो हम कोशिश करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को सबसे ज़्यादा हाईलाइट करने की, क्योंकि उनसे ना अलग से ही वैसे भी क्वेश्चन बन जाता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका मतलब अदर रिएक्शंस, पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कौन कौन से रिएक्शंस हैं, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, हैलोजनेशन है, फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन है, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है। ठीक है, इसके बाद अदर रिएक्शंस में आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बन जाता है। वन बाय वन हम सभी रिएक्शंस को स्टडी कर लेते हैं। जी हाँ, पहली रिएक्शन है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेफ्थलीन है। देखो क्या है कि हमेशा जब भी कोई नया ग्रुप आके ऐड होगा तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक पोजीशन चाहिए, तो यहाँ पे ना हमारे पास पोजीशन देखो तो सब ऑलमोस्ट एक जैसे दिखेंगी, मतलब ये
ये एक जैसी है, ये और ये वाली एक जैसी है, समझने के लिए है ना। तो एक अटैक यहाँ होगा C1 पर, दूसरा अटैक होगा C2 पर, ठीक। अब ये जो C1 वाला अटैक है वो ज्यादा होगा और C2 वाला अटैक जो है वो कम होगा, क्यों होगा वो समझते हैं। C1 वाले अटैक में क्या होगा, आपका कोई ग्रुप है, कोई सब्सटीट्यूशन जो मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन हो रहा है ना, तो यानी कि कोई इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच होगा, इलेक्ट्रोफाइल का सब्सटीट्यूशन होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन मतलब क्या, यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक रिमूव होगा और उसकी जगह कोई नया आके ऐड होगा, है ना। तो नेफ्थलीन है, मान लो हम बात कर रहे हैं C1 पर अटैक की, C1 यानी कि ये वाला पोजिशन है ना, तो यहाँ पर इसने अटैक किया तो क्या कंडीशन देखने को मिलेगी कि ये वाला जो ग्रुप है वो यहाँ पर मौजूद हाइड्रोजन के साथ में ही पहले अटैच हो जाएगा ऐसे। अच्छा यहाँ पर ना ये कुछ भी नहीं है, ये बॉन्ड नहीं है, क्योंकि ना जब ये ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा विद हाइड्रोजन तो ऑब्वियसली इस वाले बॉन्ड को हटना पड़ेगा, तो ये बॉन्ड नहीं है यहाँ पर, ये मुझसे गलती से लग गया है, और बाकी ये वाला बॉन्ड अपनी जगह पर है, ठीक है। अब सपोज कि इसके अंदर क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, तो ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ भी कोई बॉन्ड नहीं है, अब ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो क्या होगा, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहाँ पर, ये बॉन्ड था यहाँ पर शिफ्ट हुआ ऐसे, तो ये शिफ्ट हुआ, ये अपनी जगह पर है, तो वो कार्बोकैटायन जो यहाँ फॉर्म हो रहा था इस पोजिशन पे, सेकेंड पोजिशन पे, अब वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया है फोर्थ पोजिशन पे। तो यानी कि C1 के केस में दो रेजोनेंस फॉर्म शो हो रही हैं, तो ये ज़्यादा स्टेबल हुआ, ज़्यादा स्टेबल हुआ तो अब क्या होगा, ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा और ये अपनी जगह पर जुड़ जाएगा, ये जो नया ग्रुप होगा वो जुड़ जाएगा, तो क्या बना, वन सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बन गया। अगर ऐसा हो कि आपका जो नेफ्थलीन है उसमें अटैक हो रहा हो C2 पर, तो क्या होगा देखते हैं। C2 पे अटैक किया, कहाँ पर अटैक करेगा ये, यहाँ पर, कर देने दो अटैक, ये अटैक हुआ, फिर वही वाली कहानी हुई क्या कि ये ओपन होगा, सब चारों तरफ से ये ओपन हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, आपके पास में यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन आया है, वो बॉन्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ नहीं यहाँ रहेगा, ठीक है। आई होप कि आपको स्ट्रक्चर्स क्लियरली समझ आ जाए जो भी मैं बना रही हूँ। सी ये यहाँ पर बॉन्ड है, यहाँ पर बॉन्ड है, यहाँ वाला बॉन्ड जो है दिख रहा है आपको, यहाँ वाला जो बॉन्ड है ना ये वाला, ये हटेगा तब आपका यहाँ पर ग्रुप आके जुड़ेगा। अब क्योंकि यहाँ पे तो अपने ये कंप्लीट रहा, लेकिन यहाँ पर आपका एक कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि आपने इससे तो बॉन्ड छीन लिया ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक पॉजिटिव साइन आ गया। तो अब ये इस तरीके की कुछ अनस्टेबल सी कंडीशन बन गई, ये अनस्टेबल रहेगा तो इसमें क्या होगा, बैलेंसिंग चाहिए, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और अगेन एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और इस तरीके से आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, जिसको बोलेंगे टू सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट, जो भी रहेगा। अच्छा अब यहाँ के अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो मैं एक बार और ड्रॉ कर देती हूँ, देखो क्या होगा। ये वाला केस, अटैक कहाँ किया इसने, यहाँ पर, यहाँ पर अटैक किया, एक जगह ई है एक जगह एच है, ये बॉन्ड जो है ये अपने जगह पर है, ये वाला बॉन्ड हटा इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन आया। अब दिस बॉन्ड कैन मूव है ना, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, चलो मूव कर देते हैं, ये लो यहाँ पर आ गया बॉन्ड, ये अपनी जगह पर है, ये भी अपनी जगह पर है, ये जो है जब बॉन्ड यहाँ पर आया तो पॉजिटिव चार्ज आया यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर रेजोनेंस फॉर्म शो हो रही है, यहाँ पे नहीं हो रही है, तो सिंपल सी बात है ना भाई, जहाँ पर रेजोनेंस ज़्यादा होता है या रेजोनेंस फॉर्म शो होती है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए हमारा जो नेफ्थलीन है उसमें ज़्यादातर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन जो है वो होंगे पोजिशन 1 पर। बट कुछ कुछ केसेस में, जैसे कि अगर आप टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हो या आप कोई बहुत हैवी बल्की सॉल्वेंट ले लेते हो, तो उस केस में आपका जो अटैक होगा वो होगा 2 पर, ठीक है, याद रखेंगे ये बात। नाइट्रेशन की बात कर लेते हैं, पहली रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर। नाइट्रेशन रिएक्शन बड़ी सिंपल सी और मेरी बहुत फेवरेट रिएक्शन होती है, क्योंकि इसमें ना कोई कन्फ्यूजन जैसा नहीं होता, बस सीधे सीधे रिएक्शन होता है।
अब यहाँ पे क्या है, नेफ्थलीन ले रहे हैं, यहाँ पर नाइट्रेशन कराना है, तो भाई नाइट्रिक एसिड तो चाहिए, HNO3 किसके प्रेजेंस में बात हो रही है, H2SO4 की, गर्म करना है साथ में हमको, बनेगा क्या, वन सब्सटीट्यूटेड, वन नेफ्थो सॉरी वन नाइट्रो नेफ्थलीन बनेगा। कैसे बना, मैकेनिज्म देख लेते हैं, एक रिएक्शन के हम मैकेनिज्म देख लेंगे, बाकी की आई होप आपको समझ आ जाएगी। पहले आपका जो आपने जब कभी बनाया होगा कोई भी नाइट्रेशन रिएक्शन, जब आपने लैब में की होगी तो आपको भी पता है, नाइट्रेशन रिएक्शन करने से पहले हम पहले H2SO4 और HNO3 दोनों को मिक्स करते हैं ताकि वो ये आयन क्रिएट कर सके। ठीक, अब क्या हुआ इस केस में, इस केस में आपका H2SO4 और HNO3 रिएक्ट करेंगे और इस तरीके से आयन्स फॉर्म करेंगे। हमें आयन्स की जरूरत है NO2+ की। ठीक है, अब होगा क्या, ये जो NO2 है ये आपके किस पर अटैक करेगा, पोजीशन वन पर अटैक करेगा। चलो इसने कर दिया पोजीशन वन पर अटैक, अब क्या हुआ, वही आपका ये बॉन्ड अपनी जगह पर रहा, यहाँ कार्बोकैटायन आया और फिर क्या हुआ, ये वाला जो बॉन्ड है ये शिफ्ट होगा तो यहाँ कार्बोकैटायन आएगा। तो अब ये जो कंडीशंस हैं दोनों रेजोनेंस फॉर्म्स हैं। अब जो HSO4 आपका आयन था वो यहाँ पर आएगा और वो क्या करना चाहेगा, इसको स्टेबलाइज करने में हेल्प करना चाहेगा, तो वो यहाँ से हाइड्रोजन खुद ले लेगा और जब हाइड्रोजन यहाँ से चली जाएगी तो ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली अब ये वाला जो, तो इस वाले केस के लिए बात की हमने, ये वाला जो इसके लिए बात कर लेते हैं, इस केस में क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा H2SO4 के पास, तो ये बॉन्ड शिफ्ट होकर आ जाएगा यहाँ। अब क्योंकि एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा तो ये बॉन्ड यहाँ क्या करेगा, तो ये बॉन्ड खिसक के आ जाएगा यहाँ, तो इस तरीके से कंप्लीट रिंग फॉर्म हो जाएगी किसकी, नेफ्थलीन की। तो ये जो नाइट्रो है ये तो अपनी जगह पे रहा, तो क्या हो गया, ये वन नाइट्रो नेफ्थलीन और H2SO4 जो यहाँ पर था वो बाहर निकल गया। ठीक, अब कुछ रिएक्शंस को हम डायरेक्टली बात कर लेते हैं कि उनमें क्या क्या हो रहा है, आप समझ जाएंगे। सल्फोनेशन, यानी कि आपको सल्फोनिक ग्रुप का इस्तेमाल करना है। इसमें दो केसेस बनते हैं। अब जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आप ना बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो अटैक चेंज हो जाता है, C1 की जगह C2 पे अटैक हो जाता है। तो नंबर वन वाला जो केस है उसमें क्या है, आप कम टेम्परेचर पे H2SO4 के साथ में नेफ्थिलीन को हीट कर रहे हो, तब उस केस में ये फर्स्ट पोजिशन पे HSO3 यानी सल्फोनिक ग्रुप ऐड कर रहा है वन पोजिशन पे, यानी कि क्या बना, वन नेफ्थिलीन सल्फोनिक एसिड। लेकिन वहीं अगर हम टेम्परेचर बढ़ाकर 165 तक कर दें तब ये सल्फोनिक ग्रुप जो है कहाँ ऐड हो जाएगा, दूसरे पोजिशन पे, तो क्या बन जाएगा, टू नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड। अगली रिएक्शन हैलोजनेशन, यानी कि एडिशन ऑफ हैलोजन। नेफ्थलीन का रिएक्शन करवाएंगे क्लोराइड मतलब क्लोरीन गैस के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, और क्या बनेगा, फर्स्ट पोजिशन पे क्लोराइड जुड़ेगा, वन क्लोरो नेफ्थलीन HCl रिमूव होगा। यहाँ पर ना बेंजीन की तरह कोई स्पेसिफाइड आपको FeCl2 की जरूरत नहीं पड़ेगी क्लोरीनेशन करने के लिए, हेलोजनेशन करने के लिए, यहाँ पर डायरेक्टली हेलोजनेशन हो सकता है। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन के अंदर क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में दो जो साइंटिस्ट थे वो कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन देख गए थे, एक में अल्काइलेशन होता था जिसमें आप अल्काइल ग्रुप ऐड करते थे और एक में असाइलेशन होता है जिसमें एक असाइल ग्रुप ऐड होता है। सिंपली देख लेते हैं क्या हो रहा है, नेफ्थलीन है, दो केस बन रहे हैं भैया यहाँ पर भी, वन सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट और टू सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। पहले वन का देख लेते हैं केस, वन के लिए क्या करना है आपको, कि जो आपकी नेफ्थलीन है वो रिएक्शन करेगी किसके साथ में, आपके AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगी, एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन करेगी किसके प्रेजेंस में, AlCl3, और हम सॉल्वेंट यहाँ पर क्या ले रहे हैं, कार्बन डाइसल्फाइड। अब ये कार्बन डाइसल्फाइड जो ले रहे हैं हम यहाँ पर एज सॉल्वेंट ले रहे हैं, अब क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि लाइट सॉल्वेंट में अटैक होगा फर्स्ट पोजीशन पे, बल्कि सॉल्वेंट में अटैक होगा सेकंड पोजीशन पे, तो यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, वन एसिटाइल नेफ्थलीन बन रहा है, यानी कि ये क्लोराइड निकला यहाँ से और डायरेक्टली ये ऐड हो गया। ठीक है, ये वाला पोर्शन ये ऐड हो गया। दूसरे केस में क्या हुआ, एक बल्कि सॉल्वेंट ले लिया, क्या ये नाइट्रोबेंजीन, सेम चीज़ें हैं, एसिटाइल क्लोराइड AlCl3, तो
यहाँ पर क्या होगा, सेम चीज जुड़ेगी लेकिन ऑन सेकेंड पोजिशन पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के केस में क्या होगा, एक अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा, तो नेफ्थलीन लेंगे यहाँ पर, नेफ्थलीन का रिएक्शन करवाएंगे इथाइल क्लोराइड के साथ में, किसके प्रेजेंस में, वही आपका AlCl3। अब ये यहाँ पर क्या होगा कि जो वो है, क्या कहना चाहिए मुझे, सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन होगा सेकेंड पोजिशन पर, सेकेंड पोजिशन पे होगा और इसका नाम क्या होगा, 2-ethyl naphthalene। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो वही खत्म, बात करते हैं अदर रिएक्शन में रिडक्शन की। रिडक्शन मतलब क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो क्योंकि ऑक्सीजन तो कहीं दिख नहीं रही हमें नेफ्थलीन के स्ट्रक्चर में, तो क्यों ना हम इसमें एडिशन करवा दें हाइड्रोजन का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये है नेफ्थलीन, इसमें क्या है C10H8 है ना, तो अब हमको क्या करना है, इसको सोडियम और ये जो आपको क्या पेंटेनॉल के साथ में बॉईल करना है। जब बॉईल करेंगे तो क्या होगा कि ये दो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होंगे, तो यानी कि क्या हुआ, एडिशनल हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हुए इन पोजीशंस पे, तो सब ये कहेंगे टेट्रालीन कहेंगे, ठीक। इसी तरह एक और चीज़ देखने को मिल सकती है, लेकिन किसके केस में, पेंटेनॉल की जगह यहाँ पर हमने ले लिया है इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल के केस में क्या होगा कि सेम रिएक्शन कर रहा है सोडियम इथेनॉल को बॉईल करेंगे, तो यहाँ पर क्या हुआ, बॉन्ड सिर्फ एक ही टूटा और बाकी एक बॉन्ड यहाँ बना रहा, तो बना क्या ये स्ट्रक्चर 1,4, यानी एक यहाँ पर और एक यहाँ पर अपना हाइड्रोजन ऐड किया, इसलिए 1,4-dialene, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है अगर एक और रिडक्शन देखें, ये तो था इन दोनों केस के लिए, अगर दूसरा रिडक्शन देखें हम तो वो निकेल और प्लैटिनम के लिए हो रहा है। एक हीट किया विद प्रेशर, किसके साथ में, निकेल और प्लैटिनम के साथ में, तो क्या होगा आपके हाइड्रोजन सब जगह ऐड हो जाएंगे, यानी कि पूरे बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, हर एक पोजिशन पर हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये क्या होगा, डेकालीन। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में ये देखिएगा, नेफ्थलीन लेंगे, नेफ्थलीन का रिएक्शन हम करा रहे हैं किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में, तो जैसे कि क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड, क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन कराता है एट रूम टेम्परेचर विद एसिटिक एसिड, तो उस केस में क्या होता है, हमें मिलता है 1,4-naphthaquinone, है ना, यानी कि इस और इस पोजीशन पे ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन दो पोजीशन पे ऑक्सीजन ऐड हो गया और आपकी आपका नया स्ट्रक्चर क्या बना, 1,4-naphthaquinone। नेक्स्ट आता है अगला, मैं ऑक्सीडेशन बता रही हूँ, नेफ्थलीन लेंगे, नेफ्थलीन का रिएक्शन यहाँ पे किसके साथ में हुआ, वेनेडियम पेल्टा ऑक्साइड के साथ में, वो भी कितना, 470 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, तो उससे क्या बना, थैलिक एनहाइड्राइड बना, थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। मतलब बहुत सारे रीअरेंजमेंट्स हुए यहाँ पे, सिंपली आपके यहाँ पे सी, यहाँ पे ओ जुड़ गया, यहाँ पे ओ जुड़ गया, ये पूरी रिंग हटी और यहाँ पे ओ आ गया, तो ये क्या बन गया, थैलिक एनहाइड्राइड बन गया। फिर नेक्स्ट आता है इसके आगे और क्या होगा, ये जो थैलिक एनहाइड्राइड है ये फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, थैलिक एसिड में, ठीक। ये हो गए ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। अब बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ नेफ्थलीन की। नेफ्थलीन अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि मॉथ बॉल्स बनाने में, है ना, हम कपड़ों में, वूलन्स में मॉथ बॉल्स रखते हैं वाइट कलर की, जिनका बहुत तेज ऑर्डर होता है, वो नेफ्थलीन की ही बॉल्स होती हैं। थैलिक एनहाइड्राइड यहाँ पर बन रहा है, तो इसके प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं नेफ्थलीन को, इंसेक्टिसाइड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी एजोडाई के प्रोडक्शन करने में भी इस्तेमाल होता है नेफ्थलीन, और बहुत सारे पॉलीमर्स के प्रोडक्शन में भी यूज होता है। अब देखिए इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस हैं नेफ्थलीन के, बट वो एग्जैक्टली नेफ्थलीन के नहीं है, मतलब नेफ्थलीन कुछ अपने कंपाउंड्स बनाता है, जैसे कि नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड, अल्फा नेफ्थोल, बीटा नेफ्थोल, तो उनके अलग अलग यूजेस होते हैं, तो हालांकि वो भी आपके सिलेबस में है, तो अगर मैं नोट्स अपलोड करूंगी तो उसमें वो चीज़ ऐड कर दूंगी। आज की वीडियो यहीं तक, अगली वीडियो में हम बात करेंगे सिंथेसिस रिएक्शंस एंड यूजेस ऑफ एंथ्रासीन की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।